हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट जो है खोल सकते हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर RD का हो या फिर NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का हो या फिर PPF हो, वो सारे किस तरह से आप अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में ओपन करोगे, वो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमको पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले हमको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पर जमा करने पड़ेंगे। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबसे पहले, देन KYC फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा, और आधार और पैन की फोटोकॉपी जो है सबमिट होगी। KYC जो है न्यू कस्टमर्स के लिए या फिर मॉडिफिकेशन इन KYC डिटेल्स के लिए सबमिट करना कंपलसरी है। देन आपको एक अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा और आधार कार्ड सबमिट करना होगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा कर सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की या वोटर्स की आईडी कार्ड, ठीक है। और देन अगर हम बात करें कि माइनर अकाउंट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है, कंपलसरी है, किसमें, अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर रहे हो पोस्ट ऑफिस में तो, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में ओपन कर रहे हो तो KYC जो है जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स होंगे उनकी जो KYC के डिटेल्स हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर माइनर अकाउंट बोलते हैं उस केस में KYC की जो डिटेल होगी वो गार्जियन की डिटेल्स जो है सबमिट होगी। मैं आपको बता दूं कि आप अगर एक बार में अगर ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हो तो उसको जो है सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हो तो उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कोई माइनर अकाउंट जो है ओपन कराया है और वो जो है 18+ का माइनर अकाउंट जिस भी अपने लड़के या फिर लड़की का कराया है, तो वो जैसे ही 18 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद में उसको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने पड़ेंगे फॉर KYC पर्पस के लिए, ठीक है। देन अगर आप मोर देन 10 लाख रुपीज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पोस्ट ऑफिस में तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि उसका सोर्स क्या है उस पैसे का, ठीक है। देन सीनियर सिटीजन्स की बात करें कि जो कोई भी जैसे सैनिक हुआ, आर्मी से कोई रिटायर्ड है या फिर कोई भी है, तो उनके लिए क्या है, जो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलती है, तो उस केस में जो है उनको प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी जो नेशनल या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें NRI, कोई भी ट्रस्ट या फिर फर्म या इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी, ये कोई भी अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकती किसी भी जो भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं उसमें। एट प्रेजेंट अकाउंट कैन बी ओपन इन PPF के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए, मंथली इनकम स्कीम के लिए, किसान विकास पत्र के लिए, और NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए। जो भी अकाउंट ओपन होगा वो अकाउंट ओनली चेक्स के थ्रू ओपन होगा, ठीक है। तो यार ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। होप करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।